एडिलेड ओवल मैदान पर खेले गए पहले डे नाइट टेस्ट मैच के तीसरे दिन शनिवार को मेजबान ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के आगे घुटने टेकने वाली भारतीय टीम को इस मैच में 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। भारत की इस शर्मनाक हार पर सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ क्रिकेट फैंस का गुस्सा फूट रहा है। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को टीम में वापस बुलाने की सलाह दी। पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने कहा कि रोहित को बतौर सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द भारतीय टीम में शामिल कर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोहित निश्चित रूप से खेलेंगे, वो मयंक और पृथ्वी शॉ से बेहतर टेस्ट खिलाड़ी है। इफ ही इज फिट तो उन्हें सीधा शीर्ष क्रम में शामिल करना चाहिए। रोहित बेंगलुरु में NCA से मंजूरी मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। अगर टीम का मेडिकल स्टाफ उन्हें फिट घोषित करता है तो वो तीसरे और चौथे टेस्ट के लिए वापसी कर सकते हैं। महान भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर को पूरा भरोसा है कि रोहित अंतिम दो टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि हाँ, वो निश्चित रूप से इस टेस्ट श्रृंखला में खेलेगा। जहां तक मैं जानता हूँ वो ऑस्ट्रेलिया में, और वो शायद दूसरा टेस्ट नहीं खेलेगा, लेकिन तीसरे और चौथे टेस्ट में वो खेलेंगे। मतलब भारत तीसरे टेस्ट में रोहित शर्मा को देखेगा। भारतीय कप्तान विराट अपनी टीम के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक के सबसे कम स्कोर 36 के खराब बल्लेबाजी प्रदर्शन को याद नहीं करना चाहते। उन्होंने लोगों से दिल का ताड़ नहीं बनाने का आग्रह किया। उन्होंने बल्लेबाजों में जज्बे की कमी के बारे में बात की। भारतीय कप्तान ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन दिन की शुरुआत 62 रन की बढ़त के साथ करने के बाद भी मयंक अग्रवाल के खेलने के तरीके पर उन्होंने ही सवाल उठा दिए। बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम में अब रोहित शर्मा की कितनी कमी है, ये बात हर कोई जानने और समझने भी लगा है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।